अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद गौसुद्दीन बोलकपुर कॉर्पोरेटर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर आज गोलकपुर के अंदर इंदिरा नगर मोहम्मद नगर बड़ी मस्जिद में जो है ना वाटर का बहुत पानी का इशू आ रहा था, बहुत पानी का प्रॉब्लम था। मेरे सदर मोहतरम कल रात में मुझे मेरे वालिद मोहतरम को फ़ोन किए, सदर मोहतरम ज़रा जाके देखो, आज तीन एरियो में इंदिरा नगर मोहम्मद नगर बांग्लादेश में 14 वाटर टैंक हम लोग जो है ना आज ठहर के सप्लाई किए। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे वाटर टैंक घरे घर सबको पानी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सदर मोहतरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शरीफ हुसैन गोलकपुर प्रेसिडेंट MIM अलहाज मेरे सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम लोग पूरी टीम हमारी एक दो दिन से गोलकपुर में गश्त करते हुए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हुए चली जा रही थी। अचानक ये दो दिन में जो अचानक पानी का जो फलकपुर में पानी जो बंद हुआ है उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन उतनी मुश्किल होने पर भी हम माइकल मंडी पे जाकर, और एक बात ये हो रही माइकल मंडी में दो है टैंकर, दो पानी की टाँकी है, एक भोईगुड़े में जाती है, एक हमारे एरिया में आती। भोईगुड़े का कोई इंचार्ज है उससे भी बात कर रहा हूँ, उन्हें हमेशा हमारे तरफ पानी छोड़ने के लिए बहुत नाटका कर रहा था, उसको बोल दिया, वार्निंग दिया हूँ अगर तू आइंदा ऐसी हरकत करेंगा तो तेरा नुकसान होगा, तेरे बोल के बोला, एक्शन लेंगे बोल के बोला। मैं जब इस GM को और DM सब पूरों को बुलाया हूँ और तुम्हारे माइकल मंडी में बैठ के हम मीटिंग करें, और चंद्रशेखर साहब ने अपनी एक तहरीर बनाई थी कि 9:30 बजे से फलाने ये गली वो गली पूरा तकरीबन बेरबन गली पूरे गलियों का जो लिस्ट दिए हैं, इसी तरह रात में हम 9:30 बजे से हम गोलकपुर के दौरा करते हुए हमारी पूरी टीम मिल के जहाँ जहाँ पर पानी का जो हमारे को डाटा मिला है उसी बिना पर वैसा ही हम पानी सप्लाई किए हैं। वो पानी सप्लाई करते हुए भी लाइन चालू थी, और इसके अलावा आज चंद्रशेखर साहब हमारे GM साहब DM साहब जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी हमारे साथ ताउन किया, उन्होंने हमारे साथ रह के आज भी दिन तमाम पानी रिलीज़ हुआ है, मगर थोड़ा बहुत पानी इसलिए आज अब बार बार जो बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, गोलकपुर की आवाम बोल रही है, बिल्कुल सही है आप बोल रहे हैं, बंद हो रहा है, सप्लाई बंद हो रही है, इसलिए बंद हो रही है कि नया पाइप जो डाल रहे हैं हम कृष्णा का पानी लाने वाले हैं, तेलंगाना में कृष्णा का पानी लाने वाले, हमारी सेपरेट लाइन के लिए जगह परन चोर के आगे पर संगारेड्डी तरफ वो साइड में क्या जरा खोद के बड़ी लाइन बिछाना पड़ा, इसलिए हमारे पास थोड़ा बहुत मुश्किल आ रहे हैं। मैं हम जो मुश्किल आ रहे हैं हमारे गोलकपुर के आवाम से माफ़ी चाहता हूँ। आपको तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ बोल के नहीं है, बिल्कुल तकलीफ़ हो रही है, इंशाल्लाह आपको वो भी बोल के हल हो जाएगा। और अभी तो 24 घंटे हम फिरते रहते हैं भाई, इधर जाना ड्रेनेज का काम है, वो काम है, अब बारिश के दवाखाने के पास भी 2-3 महीनों से पानी बह रहा था, पर सेवरेज का जो काम जा रहा था इतना पब्लिक तंग आ गई थी, वहाँ ठहर के रोड को डिवाइडर को कटाकर रोड कटाकर पाइपलाइन डालकर वो काम भी मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह हमारे गोलकपुर में MIM की टीम काम करते आई है और करते रही है। और एक बात क्या है, आज ही मेरे को जो अभी बेरबन गली से मेरे फ़ोन आया था, हमारे वो पर किराना दुकान वाले फ़ोन किए, शरीफ भाई जरा आइए उधर बोल के, मैं गया जाके देखा, मैं हमारे ख्वाजा फरीदी साहब के मकान पे भी गया, उन्होंने एक थोड़ा ये प्रॉब्लम बताया कि ख्वाजा फरीदी साहब के मकान पे पहले पानी अच्छा आता था, जरा वाल वहाँ डिमी हो गए सर का दिखा, मेरे को JM साहब को बुलाया, चंद्रशेखर साहब को बुलाया, प्रसाद भी आए थे, आने के बाद उन्होंने कहा है कि वाल बैठ गया है, वाल को उठाएंगे, पूरे बस्ती में पानी आता बोल के। अब थोड़ा बहुत पानी की तकलीफ़ हुई है, हम उसको तकलीफ को भी हमारे गोलकपुर के कॉर्पोरेटर 9 बजे से 14 गाड़ियाँ पानी के लाने के लिए उन्होंने खुद पानी के टैंकर में बैठ रहे थे, ड्राइवर के साथ भर ला रहे थे, भर के ये कर रहे थे। उन्होंने खाना आज 4 बजे खाया है कॉर्पोरेटर, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, और कोई तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक चीज़ क्या है, मेरा इसमें हमारे शेख के पास जो फ्रैक्चर करने के वास्ते मैं ऑलरेडी दो तीन दिन बोल चुका, 2 दिन से बोल चुका हूँ, वो पर वो मटेरियल नहीं रहने की वजह से, मटेरियल क्या था खाली वो रेती थी, रेती नहीं कंकर और रेती डालने के वास्ते बोल चुका हूँ, इंशाल्लाह डस्ट रात में भी डालने वाला, पानी अगर नहीं गया तो रात में डाल दूँ बोल के बोला, नहीं कल गिरने वाला। और तकरीबन क्या है, झूठे अफवाह यहाँ बहुत चल रहे हैं, इन्हों गिरे होंगे, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या है ज़रा रोडों का जो नलों का कनेक्शन होना है, हमारे भाइयों से मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जिसको कनेक्शन नहीं मिला
आप दूसरा कनेक्शन भी लेना चाह रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट पूरे फाइल तकसीम ला के हमको दियो। अगर नहीं खुद करना तो खुद कर लो। होने के बाद नए कनेक्शन देने के मेरे को बहुत जल्दी अब शुरू है, क्योंकि 15-20 दिन में नया पानी इंशाल्लाह आप पीएंगे। परसों भी हमारे एसके पॉइंट का जो पानी निकल रहा था, क्या मैला पानी नहीं, वो गटरों का है ये है, बोले नहीं है भाई, 3 गाड़ी पानी वो पाइप में डालकर उसको यूज़ पूरा वाश कर दिए हम। मैला पानी, कंकर पत्थर जो भी है उसमें आगे निकल गए, वाश होगा वो। इसी तरह हर एरिया में चल रहा है। पहले करें हम करीमा मस्जिद के पास वजह ही करें, अब हमारे बीरबन गली में वही हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, इसी तरह होते रहेंगे। अब इसके नल के कनेक्शन आप पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। भाई हाँ, आपको पानी की बहुत तकलीफ हुई है, आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा जितना पावर है उतना लगा के मैं आपको पानी पिलाने की कोशिश किया हूँ और करते रहूँगा। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी मुश्किल आने दे तो नहीं होंगी। हम भी हैदराबाद गए, जाने के बाद ऑफिसर से बात करें, ऐसा क्यों हो रहा भोलकपुर में बार बार आप 4 दिन 3 दिन बंद कर रहे, बोले तो नहीं भाई आप वहाँ ज़रा प्रॉब्लम नहीं, नल लाइन आ रही है आपके पास, उसके लिए ज़रा कुछ काम करना पड़ता, उसमें क्या भी नहीं है, आइंदा ऐसा नहीं होगा बोलते हमको वादा दिए हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारे भोलकपुर ऐसा हमारे भोलक, और मेन चीज़ मच्छर की रोज़ाना हमारे जो भोलकपुर डिवीज़न में जितने भी है मैं एरिया वाइज भेज रहा हूँ, क्योंकि पहले कल गुलशन नगर, परसों रंगानगर, ऐसा बांग्लादेश पूरा एरिया में भेजा रहा हूँ, और वो भी काम चल रहा है इंशाल्लाह। और आज आने वाला था, पानी गिर रहा बोल के नहीं आ रहा, वो पानी में नहीं मारता बोल के बोला था हम, ठीक है इंशाल्लाह कर देंगे। और मेन चीज़ क्या है, और वो कुत्तों की गाड़ी 2 दिन कंप्लेंट आए मेरे पास, वो डिसेंट स्कूल के पास बहुत कुत्ते बैठ के रह रहे थे बच्चे, हाँ के पीछे जो स्कूल को बच्चे जाने वाले डर रहे बोल के बोले, उनको भी बोला हूँ, वो भी आके इंशाल्लाह कल वो भी कार्रवाई होगा, मैं भी शाम में ठहर के पकड़ाऊँगा इंशाल्लाह काम होगा। और बस यही करते हुए मैं भोलकपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। मेरे सदर मोहतरम अलाहाज बैचलर असदुद्दीन अवैसी साहब, इंशाल्लाह 15 अगस्त को झंडा परचम नशाई करेंगे। आप तमाम हजरात से अदावन गुजारिश करता हूँ, शिरकत कीजिए, पार्टी ऑफिस पर आइए, भोलकपुर पार्टी ऑफिस पर। मैंने साहब को दावत नामा फिर दिया हूँ, जाके साहब बोले पाली में चल रहे हैं दिल्ली में, एक दो रोज़ के बाद आपको जवाब दूंगा बोलते बोले, इंशाल्लाह वो पक्का कन्फर्म हो गया है। आप ज़रूर ब ज़रूर 15 अगस्त के दिन मैं पार्टी आपको भोलकपुर में तशरीफ लाइएगा और सदर साहब से मुलाकात कीजिएगा। सदर साहब सिर्फ दो ही जगह अब इतफाक से हो रहा है, एक तो हमारे मदीना बिल्डिंग के पास चढ़ाते हैं और सेकंड हमारे पास चढ़े चिफी जनरल ग्रुप है। इंशाल्लाह अभी भी ये 15 अगस्त को साहब आने की कोई उम्मीद है, आप ज़रूर ब ज़रूर तशरीफ लाइए, इस 15 अगस्त के पश्चिम दिशा को कामयाब बनाइए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी अजीज़ुल्लाह उस्मानी, सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हलका भोलकपुर। आप हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ कि कृष्णा से जो पानी हमारे हैदराबाद को सप्लाई होता था वो वाल की ख़राबी और पाइपलाइन की ख़राबी की वजह से 2 दिन के लिए मसदूद कर दिया गया था, 9 और 10 अगस्त को। जैसे ही रिपेयरिंग कम्प्लीट हुई, कल रात में हमें मालूम हुआ पानी चालू हो गया, तो मैं अलहाज शरीफ हुसैन साहब, कॉरपोरेटर गौसुद्दीन ताहा साहब, नज़ीर भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान अलाज मोइन बाबा अशरफी साहब और वसीम अकरम साहब और दीगर रफ़ीक पाशा साहब, आयरन मर्चेंट, हम लोग पूरे महल्ले का दौरा करके रात ही में 11 बजे से हम लोग जैसे पता चला कि टाँकी में पानी आना शुरू हो गया है, महल्ले में जहाँ शदीद खिल्लत थी इमीडिएटली पहले 5 जगह वाल्स खुला दिए, जिससे लोगों को रात के 12 बजे 1 बजे पानी आना शुरू हो गया। जैसे पानी शुरू हुआ लोग सो रहे थे बहुत सारे इलाकों में, अलाज शरीफ हुसैन साहब घरे घर जाकर दस्तक देकर लोगों को उठाए हैं और उठाकर समदानी गली में, पर्दा गली में, बीरबन गली, मोहम्मद नगर, बड़ी मस्जिद के पीछे, इसी तरह गुलशन नगर के अंदर कटनी कांटे के पास जाकर लोगों को घरों में रात के 12 बजे 1 बजे जगाकर अल्हम्दुलिल्लाह पानी को सप्लाई किया गया। इसी तरीके से सुबह भी किल्लत का मामला था, आज से नॉर्मल पानी का चालू होना था और पानी जैसे ही टाँकी में आ रहा था साथ साथ घरों को सप्लाई भी चालू हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे लोगों को बड़ी राहत हुई। और आज भी बाज़ इलाकों के अंदर पानी की शदीद किल्लत महसूस की गई, तो चुनाचे अलाज शरीफ हुसैन साहब ने फौरी अपने फर्जंद गौसुद्दीन ताहा साहब मौजूद कॉरपोरेटर हल्के भोलकपुर को उनकी निगरानी में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, आप वीडियो विजुअल्स देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स और जो है फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो के क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी मस्जिद के पास, मोहम्मद नगर में, इंदिरा नगर में और दीगर इलाकों में, बांग्लादेश और दीगर इलाकों के अंदर 14 टैंकर्स के ज़रिए से पानी घरे घर पहुंचाया गया और साथ में सप्लाई भी जारी रखी गई। सप्लाई में थोड़ा सा प्रेशर का प्रॉब्लम था तो आवाम को दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से टैंकर से भी पानी सप्लाई किया गया और साथ साथ जो है
घर अपना वाटर सप्लाई लाइन भी जो है जारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम हुआ। इसके अलावा सीवरेज लाइन का काम बहुत सारा मुकामात पे चल रहा था, जहां शरीफुद्दीन साहब खुद बनफ्से नफीस जाकर नज़ीर भाई के साथ खड़कर काम अंजाम दिए। शेखर रेड्डी के पास एक ओवरफ्लोइंग हो रही थी, वहाँ पे काम किया गया। बिलाल मस्जिद के पास इमीडिएटली काम करवाया गया। बीरबन गली में एक शिकायत थी, आप लोगों को छोटी वीडियो भी दिखी होगी, वहाँ शरीफ भाई और हमारे नज़ीर भाई जाकर ठहर कर अपनी निगरानी में ये काम करा कर आए हैं। इसी तरह समदानी गली में, पर्दा गली में और दीगर मुकामात पर जो छोटे छोटे कंप्लेंट्स थे, उन तमाम कंप्लेंट्स को अपनी ख़ास निगरानी में यमई बोलतपुर टीम मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रही है। आवाम को इस बात की जानकर बड़ी खुशी होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अलहाज शरीफ हुसैन साहब के फर्जंद गौसुद्दीन ताहा साहब के साथ तकरीबन एक दर्जन अफराद रात दिन लगे हुए हैं, जिसमें अलहाज शरीफ हुसैन साहब बनफ्से नफीस टीम की निगरानी करते हैं, नज़ीर भाई रात दिन काम करते हैं, हमारे अलहाज मोइन बाबा अशरफी साहब करते हैं और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान रफ़ीक पाशा साहब, इसी तरीके से वसीम अकरम आ रहे हैं और दीगर लोग रात दिन जस्तजू करके गोलखपुर के तमाम मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम गोलखपुर की आवाम से इस बात की गुजारिश करते हैं कि सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेशी साहब की गोलखपुर पर ख़ास नज़र है, ख़ास हिदायत हैं। कल एक मोहतरमा ने सिर्फ असदुद्दीन अवेशी साहब को फ़ोन किया कि पानी की किल्लत है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली से सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने शरीफ भाई को फ़ोन किया कि जाकर देखें फौरी। फिर फौरी नज़ीर भाई को लेकर शरीफ भाई घर पर पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह टैंकर्स भी मंगवाए गए, पानी खुलाया गया और रात देर गए एक बजे तक उनके घर को पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी तरह सुबह में भी ये काम जारी था और कल से इंशाल्लाह, कल जुमा का दिन है, अल्लाह ने चाहा तो कल से नॉर्मल पानी नलों में सब लोगों के घरों पर पहले जैसा आता था वैसा आ जाएगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। उठा भाई उठा। अरे तक क्या तकलीफ दे रहा साले, बोले रहे क्या, मैं क्या फ्री टाइम पूछ रहा हूँ लोगों फ्री टाइम रखो, मेरे को पैसों को दे दो, मैं मेरे बाबा को मैं पैसों से पिला लेता हूँ पानी। जाओ मैं पैसे दे रहा हूँ। अरे साहब और जाओ मूड ट्रिप लू को इतना वाल। अरे वो जो गिद्धा है ना, जो गिद्धा है ना, खाली नल खोल रहा बोल रहा, माँ खराब जोड़ रहा नहीं कर रहा, मैं कहाँ की बढ़ जा रहा हूँ उठलो में। रोजाना मेरे को तुम कंप्लेंट दिए, गटरा भरे एक बार भी होगा, कब मिलके बोले मेरे तुम क्या करो, क्या भी तकलीफ है तो मेरे फोन करो। बहुत तकलीफ है, खुला देखते रहो, वहाँ देखो तुम पूरे वही सकते हो। हाँ नरसिंह भाई अकड़े मेरे, हाँ बिल्कुल डाली मारे राजा।
वाल का हाल है ना भाई, बारिश का पानी पूरा वाल क्या वाल में फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंजन बोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज ए टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291। We'll be right back.